हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द टॉपिक दैट इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इन पीएलसी. ओके, सो सी वन बाय वन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैज़ अ फाइव टाइप्स, दैट इज एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन, एक्स और इंस्ट्रक्शन, नॉट इंस्ट्रक्शन एंड CLR मीन्स क्लियर इंस्ट्रक्शन. ओके, सो सी वन बाय वन. द फर्स्ट वन इट इज and instruction. Okay, in that and instruction we see the first point, it performs the logical and operation between two operands. Okay, जो भी logical operation होगा इसमें, वो उसमें कितने रहेंगे, two operands रहेंगे. Okay, so example हम लोग consider कर रहे हैं. देखो ये क्या है आपका example of and instruction. अभी ये जो है instruction example, ये हम लोग details में अभी देखने वाले हैं. So see, the first point is that in this example, the content of N7 is to 0 are logically and with the content of N7 is to 1 and store the result in the destination memory N7 is to 2. ओके, जो भी एंड ऑपरेशन है वो किस में होगा, ये दो ऑपरेंट में होगा, और रिजल्ट किस में सेव होगा, ये जो डेस्टिनेशन दिया हुआ रहता है वहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, स्टोर रहेगा. ओके, सो एग्जांपल के इस पे से देखेंगे. सी इफ कंटेंट ऑफ N7 0, अगर N7 0 में आपका ये कंटेंट है, सो N7 1 में हम लोग ये कंटेंट कंसिडर कर रहे हैं, सो एंड ऑपरेशन में क्या होगा. तो इस पे से हम लोग जो है, आप लोग जो डिजिटल टेक्निक्स जो आपका सब्जेक्ट हो चुका है उस पे से आप रेफ़र कर सकते हो एंड गेट टेबल का. ओके, सो सी क्या होता है एंड गेट में, अगर फर्स्ट अगर 0 हो और सेकंड भी आपका क्या हो, 0 हो, तो रिजल्ट क्या आता है, 0 मीन्स 0 and 0 क्या होगा आपका, 0 and 0 इट इज़ 0. ओके, ऑलरेडी आपको लॉजिकल टेबल पता है, दैट इज़ 0 0 का क्या आता है, 0 आता है. ठीक है, उसी तरह आपको बाकी का भी देखना है. अभी यहाँ पे देखो सेकेंड क्या है, 0 1, 0 1 का क्या आएगा, 0. सो 0 1 का क्या आता है, 0. ये ऑलरेडी पता है आपको एंड गेट में क्या होता है. ओके, थर्ड बिट देखो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मीन्स 1 1 का क्या आ रहा है इधर, दैट इज 1. ओके, ये आपका क्या है, दैट इज एंड गेट का टेबल है. सो उसी तरह आपको जो है इसमें भी सॉल्व करना है एंड इंस्ट्रक्शन को. सिर्फ यहाँ पे क्या है आपको, जो क्या बोल रहे हैं उसको, N7 S2 0 है, ये एक हम लोग ए कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, और N7 S2 1 हम लोग बी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, और जो N7 S2 2 है वो क्या रहेगा अपना, A.B. ठीक है ना, एंड हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से. ओके, सो इस तरह आपको ये कंसिडर करके आपको ये क्या करना है, एंड इंस्ट्रक्शन याद रखना है. ओके, सो ये क्या है आपका पीएलसी का फॉर्मेट रहेगा एंड इंस्ट्रक्शन का. ओके, हम लोग इसी तरह लिखेंगे एंड इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेट वही रहेगा, दो सोर्स रहेगा और एक डेस्टिनेशन रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट देखो, दैट इज़ द और इंस्ट्रक्शन. अभी और इंस्ट्रक्शन में भी वैसे ही है जैसे आपका एंड इंस्ट्रक्शन था. ओके, सो सी द फर्स्ट, इट परफॉर्म्स द लॉजिकल और ऑपरेशन बिटवीन द टू ऑपरेंट्स. ओके, यहाँ पे भी टू ऑपरेंट्स रहेंगे लॉजिकल ऑपरेशन के लिए. सेकंड, इफ वन ऑफ द बीट और बोथ द बीट्स ऑफ टू ऑपरेंट आर 1, देन आउटपुट बीट इज 1, अदरवाइज इट इज 0. ओके, मीन्स एक बीट या फिर दोनों भी बीट क्या रहेंगे, 1 रहेंगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज वो क्या आएगा, 0 रहेगा. ये ऑलरेडी आपको और इंस्ट्रक्शन का पता है. ठीक है, सो ये भी है क्या है आपका,
एग्जाम्पल ऑफ और इंस्ट्रक्शन है, इसमें भी जो फर्स्ट है ए वो क्या है N70 है, और सेकंड सोर्स क्या है बी दैट इज N7S21, और जो रिजल्ट है डेस्टिनेशन है जो कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, दैट इज N7S22, ठीक है। सो इसका भी एग्जाम्पल देख लो डिटेल में, यहाँ पे देखो क्या है, इन अबव एग्जाम्पल द कंटेंट ऑफ N70 आर लॉजिकली और विद द कंटेंट ऑफ N71 एंड स्टोर द रिजल्ट इन डेस्टिनेशन ऑफ N72, जो अभी मैंने बताया वही वो टेक्निकल वर्ड्स में है। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे कंटेंट्स उन्होंने क्या किया है, कंसिडर किया है जो फर्स्ट है आपका ए है N7S20 ये कंसिडर किया है और N7S21 ये कंसिडर किया है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग आप जो है आपके हिसाब से भी कंटेंट ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल में। देन रिजल्ट क्या आएगा फिर, जैसे कि उन्होंने बताया देखो वन बिट या फिर बोथ द बिट क्या रहेंगे, वन रहेंगे, मीन्स 1110 और 01 रहेगा, तो इसका क्या आता है आपका वन आता है, जो बचा है दैट इज़ ज़ीरो, इसका क्या आएगा ज़ीरो आएगा, किस में दैट इज़ और गेट में, ठीक है। ये ऑलरेडी पता है आपको, डिजिटल टेक्निक्स में हम लोगों ने पढ़ा है और गेट्स, सिर्फ ये क्या अभी और इंस्ट्रक्शन से इन PLC में, ठीक है। उसी तरह आपको देखना है, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बिट क्या है एग्जाम्पल में ज़ीरो है, ज़ीरो, सो ज़ीरो ज़ीरो का क्या आता है ज़ीरो आता है, जैसे कि अभी हमने टेबल में देखा है। नेक्स्ट क्या है, ज़ीरो है, देखो सेकंड बिट ज़ीरो है, बाद में है सेकंड बिट इसका वन है, 01 का क्या आ रहा है इधर वन आ रहा है, ठीक है। इस तरह आपको जो है और इंस्ट्रक्शन भी याद रखना है, ओके। क्या है आपका दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन हम लोग इस तरह लिखते हैं जैसे कि एन इंस्ट्रक्शन लिखा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आएगा दैट इज़ और, वहाँ पे क्या था एंड था, ओके। सो इन दिस वे वी सी इन टुडेज लेक्चर ओनली टू लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट इज़ एंड एंड और, ओके। एंड नेक्स्ट लेक्चर वी कवर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन, रिमेनिंग लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ओके। सो थैंक यू।